सो गाइस फिर से एक नया ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और अनिमेश गए थे बाहर, अभी बज रहे हैं शाम के 5 और फिर से ये बाहर जाएंगे। तो नव निया के लिए कुछ लेकर आए। नव 3-4 दिन से पुलिस बाइक बहुत कर रहा था, तो अभी बहुत रो भी रहा था जाने से पहले। तो नव के लिए पुलिस बाइक आई है और डैडी को जो इंजेक्शन देती है निया डॉक्टर, तो डॉक्टर के लिए डॉक्टर प्लेस सेट आया। पता नहीं कितनी बार ये डॉक्टर सेट आया होगा, सब इसका पार्ट पूजा कहाँ चला जाता है। और एक दिन के अंदर इसका ये सब इधर उधर हो जाएगा। उस दिन आया मेकअप सेट, वो सारा इधर उधर हो गया। थैंक यू। तेरी ओपन, फिर पूरा फेंक देगी इधर से उधर। अभी बोल रही है ओपन ओपन। किसको इंजेक्शन दोगी? डैडी को। किसको? Hey guys, welcome back to the channel. कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। सैटरडे इवनिंग छुट्टी का दिन, बट हम लोग कहीं बाहर नहीं गए हैं क्योंकि दिन में जो मैंने ब्लॉग खत्म किया था तो फिर उसको मैं एडिट ही करने लग गई, और अनिमेश बाहर गए थे तो वो लेट से आए हैं, फिर वो गए हैं बाहर। अभी नवनिया लिविंग है, हम खेल रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ खाना बना लेती हूँ। तो डिनर में आज बनाने वाली हूँ दाल पिट्ठी। बचपन में हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन घर में बोलते थे कि हमें दाल पिट्ठी खानी है। सबसे ज्यादा मुझे दादी के हाथ की पसंद थी, दादी बहुत अच्छा बनाती थी। बहुत लोगों के हाथ की दाल पिट्टी खाई है मैंने, बट वैसा स्वाद मुझे कभी नहीं मिलता था। और दाल पिट्टी को हर अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। इनफैक्ट बिहार में ही इसको दल पिट्ठी, दाल पिट्ठा, दाल की दुल्हन, दाल ढोकली, बहुत अलग अलग नाम से दाल पिट्ठी को जाना जाता है। बहुत सिंपल भी है, हेल्दी भी होता है। चलिए फिर मैं डिनर बना लेती हूँ। कल ये चॉपर डिलीवर हुआ है, इलेक्ट्रिक चॉपर, आज मैं इसको भी यूज करने वाली हूँ। आज इसी में प्याज टमाटर सब कटेगा। वैसे कल जब मैंने वीडियो अपलोड किया था, जो किचन का सामान मैंने मंगवाया था, वो वाली वीडियो, जिन लोगों ने इलेक्ट्रिक चॉपर यूज किया है उन लोगों ने लिखा था कि काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो अच्छा ही होगा आप लोगों ने यूज किया है, तो आज मैं भी यूज करने वाली हूँ। चलिए फिर खाना बना लेती हूँ मैं। दाल पिट्टी बनाने के लिए मैंने 1 कप तूर दाल लिया है, इसको मैं अभी अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। पहले मैं डाल रही हूँ 3 कप पानी, आधी छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ इसमें, और थोड़ी सी हल्दी का पाउडर। अब हाई फ्लेम में इसमें 1 सीटी लगाऊंगी और फिर लो फ्लेम पे इसमें 2 सीटी लगाऊंगी, फिर फ्लेम बंद कर दूंगी। आज मैं फर्स्ट डे से इलेक्ट्रिक चॉपर को यूज करने वाली हूँ, देखती हूँ कैसा काम हो रहा है। तो 2 प्याज को मैंने ऐसे बड़े टुकड़ों में काट कर इसमें डाल दिया है। जो रबड़ इसके साथ मिली थी इसको मैंने यहाँ इसके नीचे डाल दिया है। कुछ सेकेंड्स में ही बस प्याज कट गए, मैंने बड़े बड़े टुकड़े डाले थे। अब टमाटर डालकर देखती हूँ इसमें, बड़े बड़े टुकड़े ही डाल रही हूँ मैं। टमाटर भी अच्छे से कट गए, मुझे लगता है मैंने 30-40 सेकंड ही इसको चलाया होगा, ज्यादा चला जाऊंगे तो ये पूरे ही पिस जाएंगे। तो कट गए हैं ये भी अभी, तो मुझे तो ये पसंद आ रहा है। प्याज और टमाटर तो मैंने इसमें काट लिया और कुछ सेकंड्स में ही कट गए हैं। अब मैं इसमें गार्लिक डालकर देखती हूँ, 4 कलियां मैंने ली है लहसुन की, देखती हूँ ये कटेगी कि नहीं। ये है गार्लिक, 4 कलियां मैंने डाली थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मतलब कट जाएगी कुछ ही सेकेंड्स में। प्याज और टमाटर से थोड़े से सेकेंड्स ज़्यादा लगे हैं इसमें, बट देखिए कितनी बारीक कट गई है, मतलब ये तो सच में टाइम सेवर हो गया मेरे लिए।
मैं चॉपिंग बोर्ड पे उसको ऐसे ऐसा काटती रहती थी, और मैनुअल से अगर मैं कोशिश करती थी तो इतने अच्छे से होता नहीं था, बट चार ही कलियां डाली और वो अच्छे से हो गई है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ब्लेड को बहुत सावधानी से पकड़ना पड़ेगा, ये बहुत शार्प है। अब मैं इसमें अदरक का इतना बड़ा टुकड़ा डालती हूँ। देखिए कुछ ही सेकंड्स में ये कट गया। मुझे तो ये बहुत पसंद आया है, और जो लोग भी मन बना रहे हैं इलेक्ट्रिक चॉपर लेने का, तो शायद मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ा कुछ हेल्प मिल जाए। मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि आपको इसको लेना ही चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। मैंने यहाँ पे ऑन कैमरा इसको यूज करके दिखला दिया है। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी, आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको इसको लेना है कि नहीं लेना है। मेरे लिए तो ये अच्छा है। कुछ ही टाइम में मैंने प्याज टमाटर गार्लिक और जिंजर सब काट लिया, इतना कुछ इसमें चॉप कर ही लिया है। थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी चॉप करके देखती हूँ। धनिया की पत्ती चॉप हुई है, बट जो साइड में जाके चिपक जाते हैं ना, उसको आपको साइड से बीच में रखना पड़ेगा, क्योंकि धनिया की पत्ती मैंने बहुत कम डाली थी, तो इसीलिए एक बार आप उसको सारा समेट के फिर से बीच में रख दोगे तो अच्छे से चॉप हो जाएगी। देखिए अच्छे से हो गई चॉप। दाल उबल गई है। अब मैंने कढ़ाई में करीब 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है। अभी तेल गर्म हो गई है तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच हींग, 1 सूखी लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता, 1 छोटी चम्मच जीरा। मैंने जो लहसुन और अदरक चॉप करके रखा था वो मिला दूंगी। थोड़ा हल्का फ्राई कर लूंगी इसको। मैंने मीडियम साइज के 2 प्याज को ऐसे चॉप कर लिया है, वो मिलाऊंगी। थोड़ी देर तक इसको भून लेना है प्याज का कलर चेंज होने तक। अभी प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो गया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच नमक। मैंने दाल उबालते टाइम भी नमक डाला था तो नमक उसी हिसाब से डालना है। 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा तीखा खाना हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। इसको भून लूँगी। मैंने एक बड़े साइज़ के टमाटर को चॉप कर लिया तो वो मैं इसमें मिलाऊँगी। जब तक कि टमाटर अच्छे से पक नहीं जाते हैं तो इसको लो फ्लेम पे पकाना है। आटा मैंने पहले तैयार करके रख लिया था। 1 कप आटे में मैंने 1/2 छोटी चम्मच नमक और 1 बड़ी चम्मच कुकिंग ऑयल मिलाया था, फिर इसको गूंद लिया है। अब थोड़ा ज़्यादा डो लेकर इसमें सूखा आटा लगा लूँगी। 1 बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि शेप गोल हो, आप किसी भी शेप का भी इसको बना सकते हैं। बहुत पतली रोटी नहीं बनानी, इतनी मोटी होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे एक डब्बे का ढक्कन लिया है, इसे मैं पूड़ियों को काटूंगी। तो आप चाहे तो किसी स्टील के ग्लास का भी यूज़ कर सकते हैं। का मुँह बहुत छोटा है तो बहुत छोटी छोटी पूड़ियाँ कटेंगी, इसलिए मैं इस ढक्कन का यूज़ कर रही हूँ। और एक्स्ट्रा आटा हटा लेती हूँ। अब एक पूड़ी ऐसे मैंने हाथों पर ले लिया है, उसको कुछ इस तरह से मोड़ के ऐसे इसका मुंह बंद करूंगी। मुंह अच्छे से बंद करना है नहीं तो ये खुल जाएगी। और फिर इसको यहाँ से भी इसका मुंह कुछ इस तरह से बंद करूंगी। तो इस टाइप की फूल बन के तैयार होगी। ऐसी मैं बाकी की पूड़ियों का भी बना लूंगी। इधर ये मसाले अच्छे से भून गए हैं, टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं। अब मैं ये उबले हुए दाल को इसमें डालूंगी।
इस तरह से एक मैशर के हेल्प से थोड़ा सा मैश कर लेंगे। मैंने दाल में थोड़ी सी पानी ऐड किया क्योंकि मुझे बहुत गाढ़ी लग रही थी। दाल थोड़ी पतली होनी चाहिए तभी ये पिठियों के अंदर जाएगी। मैंने सारी पिठियाँ बनाकर तैयार कर ली है, अब मैं इसको दाल में डालूंगी। बिल्कुल हल्के से इसको ऐसे मिला दूंगी ताकि ये टूटे नहीं, और इसको ढक दूंगी। ढककर इसको लो फ्लेम पे 10 मिनट तक के लिए पकने दूंगी। बीच बीच में कवर हटाकर इसको ऐसे हल्के हाथों से चला भी देंगे, नहीं तो ये तले में चिपक जाएगी। 10 मिनट हो चुके हैं, मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ। दाल पिट्ठी बन के तैयार है। चेक कर लेते हैं ये पकी है कि नहीं। ये देखिए आराम से कट रही है, ये पूरी तरह से पक चुकी है। अब इसमें धनिया की पत्ती डाल देंगे, इसको मिला देंगे। दाल पिट्ठी बहुत ही हेल्दी होती है, बहुत कम मसाले यूज़ होते हैं इसको बनाने में, और टेस्ट इसका अल्टीमेट होता है। जिन लोगों ने दाल पिट्ठी कभी भी नहीं खाया, प्लीज़ एक बार इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हेल्दी, बहुत आसानी से बनने वाली और बहुत कम मसालों के साथ बनने वाली दाल पिट्ठी बनके तैयार है। मेरे मायके में जब ये बनती थी तो हम लोग इसको आलू चोखा के साथ खाते थे, मतलब आलू भरता के साथ। आज हम लोग अभी इसको बैगन भरता के साथ खाने वाले। बैगन का भरता पहले ही बना लिया था तो अभी थोड़ी देर में हम लोग खाना खाएंगे, अभी ये बहुत गर्म है। सो खाना खाने बैठ गए हम लोग, चोखा में इसी में डाल लेती हूँ दल पिट्ठी 2 मिर्च के साथ, और इनके खाने में मिर्च होना ही चाहिए। बैगन का भरता, मिर्च भी हो। मिर्च जो है विटामिन सी का स्रोत है। शॉपिंग करके आए हैं और क्या क्या हुआ है मैं आपको बाद में बताती हूँ। मेरे लिए आज पहली बार पार्लर जाने का वाउचर लेकर आया है। क्यों, कैसे, क्या मिला मैं आपको बताती हूँ अभी थोड़ी देर में। बहुत अच्छा है, बहुत ही टेस्टी है, मुझे पसंद आया। आपने शेयर किया है रेसिपी, अगर इन्होंने रेसिपी शेयर की है तो एक बार जरूर बनाइएगा। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही अच्छी बनी है। एक बार जरूर बनाइएगा ये बिहारी दाल पिट्ठी, प्लीज। हो सकता है कि अलग अलग जगह में भी ये बनाई जाती हो अलग अलग नाम से, तो शायद आप लोगों को पता भी होगा। अगर नहीं पता तो प्लीज जरूर बनाइएगा। तो चलिए अभी हम लोग खाना खा लेते हैं फिलहाल, फिर आपसे मैं मिलती हूँ। हुआ क्या, मैं खाना खा ही रही थी, दुनिया ने बोला मैगी खाना है, जबकि बहुत टाइम से ये लोग बोलते नहीं थे कि मैगी खाना है। तो मैं घर में भी पैकेट्स नहीं रखती थी मैगी के, एक बड़ा वाला पैकेट मैंने रखा हुआ था। निया ना मैगी खाते थे, मतलब ज्यादा निया खाती थी, बट काफी टाइम पहले खाती थी। बहुत टाइम से आलू पराठे रोटी यही सब खाना पसंद करते हैं, मैगी नहीं खा रहे थे, मतलब आदत छूट गई थी। अचानक से बोला, पता नहीं उसको कैसे याद आ गया मैगी खाना है। तो मैगी बनाने जा रही हूँ अभी मैं। शॉपिंग हुई है निमेश जी की, मैं आपको दिखा देती हूँ। साथ में एक पानी का बॉटल भी वहाँ रखा हुआ, क्यों रखा है मैं आपको बताती हूँ अभी। ये सूट लिया है, ये ऊपर का कोट है, और ये इसका पैंट। ये सूट लिया है, एक्चुअली जब मैं मोटा था उसके बाद जब मैं पतला हुआ तो मेरे सारे कपड़े जो है वो ढीले हो गए, तो कोट पैंट भी
ढीला ढीला हो गया, तो मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। अभी एक महीने पहले, डेढ़ महीने पहले मैंने एक कोट खरीदा था, वो जो कोट यानी कि ब्लेजर जो खरीदा था उसका पैंट नहीं था, तो आज मैंने ये पैंट खरीदा है जो कि उसी ब्लेजर को सूट करता है। और ये एक सूट खरीदा, सेट ऑफ कोट पैंट, तो ये मैंने ली है। और ये तीन शर्ट लिया है, एक शर्ट 59 दिराम की थी लेकिन तीन लेने पे 119 दिराम की थी, इसीलिए मैंने तीन शर्ट लिया है। ये देखिए, ये प्लेन दिख रहा है बट ये भी अच्छी है। ये प्लेन कहाँ है? बट दूर से प्लेन दिखता है। ये कुछ डॉट डॉट टाइप की डिटेलिंग है और उभरी हुई है वो। अच्छा, उभरी हुई है। तीन लोअर्स लिए हैं घर में पहनने के लिए, वॉक करने के लिए। जितने का मैंने ये तीनों सामान लिया है, तीनों मतलब एक सूट यानी कि कोट पैंट का सेट और एक पैंट, ये दोनों सेम मटेरियल का है। मतलब इससे पहले मैंने जो ब्लेजर लिया था उसका सेट है लिया। और तीन शर्ट्स, वो तीन शर्ट एक ही साथ लिया मैंने क्योंकि इस पर भी डिस्काउंट था। तो ये तीनों सामान में जब बिल बनाना तो 2 दिराम कम रहा था। किस चीज़ के लिए कम रहा था मैं बताता हूँ। तो वो जो सेल्स एग्जीक्यूटिव थी उसने मुझे बोला कि सर आप 2 दिराम का कुछ ले लीजिए तो आपको 100 दिराम का वाउचर भी मिलेगा। दमास एक मेडिकल सेंटर है, उसका वाउचर मिलेगा। बियर्ड लेजर, फेस लेजर, स्केलिंग एंड पॉलिशिंग, कोई भी एक आप क्लेम कर सकते हैं। ये प्लस 100 दिराम का वाउचर था। तो 2 दिराम जो कम हो रही थी उसके जगह पे मैंने ये बॉटल खरीद लिया। ये 3 दिराम की बॉटल थी पानी की। और फिर मुझे ये जो दमास का वाउचर है जिसमें मेरी धन पत्नी जी जाके मैजिकल फेशियल, पता नहीं मुझे लग रहा है मैं जाऊंगी, नहीं मुझे लग रहा है मैं जाऊंगी और फिर मुझे कुछ और ना बोले इतने पैसे जमा करो ये करो। और ये 100 दिराम का वाउचर भी मिल गया। तो ये 100 दिराम में मतलब क्या है, आप कुछ भी जाके खरीद सकते हो? कुछ भी खरीद सकते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। जो बिल आएगा वो आपको देना पड़ेगा। ये 100 दिराम में आप कुछ भी खरीद सकते हो? कुछ भी खरीद सकते हैं। तो मेरी कुछ ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई नहीं है? यही है कि सिर्फ 23rd को खरीदना है कल। और ये फेशियल? फेशियल किसी भी दिन जा सकते हो आप। इस पे लिखा हुआ है दिस कूपन इज वैलिड फ्रॉम 27 दिसंबर 2021 टू 22nd फरवरी 2022, यानी कि एक महीना लगभग वैलिड है। पता नहीं इसमें से मैं कुछ क्लेम कर भी सकती हूँ कि नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्या है कैसे है। एक पानी की बॉटल ने कमाल कर दिया। और जो कूपन है ये मुझे कल तक ही खरीदना है। मेरी जितनी भी जीन्स थी वो सारी ढीली हो चुकी है, अभी मेरे पास है नहीं जीन्स, तो मैं उस कूपन से अपने लिए जीन्स लूंगा। आज का वीडियो हम लोग यही पेंट करते हैं, सोना भी है, लेट हो गया है, नमनिया ने ब्रश कर लिया है, बस वो तो नमस्ती कर रहे हैं, अभी हम लोग जाएंगे तो सोएंगे वो दोनों। और दाल पिट्टी बनाकर जरूर खाइएगा। हाँ, दाल पिट्टी जब बन जाए तो कमेंट कर जरूर बताइए कि कैसी बनी थी और आपको कैसी लगी। भाई मुझे तो अच्छी लगी। और 3 दिराम वाला बॉटल खुल गया। चलिए गाइस मिलते हैं। 3 दिराम में 100 दिराम दिए प्लस बीबी के लिए फेशियल, तो बहुत अच्छी बात है। वो फेशियल मुझे पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं, वो तो जाएंगे जब तक पता चलता है, देखते हैं क्या होता है ना। तो चलिए गाइस आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। चलिए फिर आपसे मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।